मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। इस बार ऑल आउट एक्शन प्लान का मसौदा तैयार कर लिया गया है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को लीड रोल में रखा जाएगा। केंद्र सरकार में विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में 24 घंटे ऑपरेशन शुरू होगा। विद्रोहियों और हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को उनके ठिकानों से बाहर निकाला जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में अर्धसैनिक बलों के 2500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की थी। केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों में से सीआरपीएफ की 15 और बीएसएफ की 5 कंपनियां शामिल थीं। अब बच्चों और महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत के बाद सीआरपीएफ की 40 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर में रवाना करने की तैयारी हो रही है। इसके बाद सेना, लोकल पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या लगभग 1,00,000 के पार पहुंच जाएगी। बता दें कि मणिपुर में 7 नवंबर से लेकर अब तक लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी की वारदातें हो रही हैं। गुस्से में आए लोगों ने मुख्यमंत्री और 10 विधायकों के घरों को भी नहीं बख्शा है। नतीजा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले में सेकमाई और लामसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, विष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लीमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के तहत आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा लागू कर दिया है। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह मणिपुर पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि 14 नवंबर को जिन क्षेत्रों में अफस्पा लागू किया है उसे जनहित में वापस लिया जाए। सूत्रों ने बताया कि अब जो ऑल आउट एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसमें विद्रोहियों को उनके ठिकानों पर दबिश देकर दबोचा जाएगा। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी की बड़ी मदद ली जा रही है। मणिपुर में कितने सशस्त्र समूह सक्रिय हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं, छिपने का ठिकाना और म्यांमार से लगते सीमावर्ती इलाकों में उनकी पहुंच, ये सभी जानकारियां जुटा ली गई हैं। सेना, असम राइफल और सीएपीएफ के जवान बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्रों में छापेमारी करेंगे, बाकी सुरक्षा बल अंदर के क्षेत्रों में उपद्रवियों से निपटेंगे। इस ऑपरेशन के तहत मणिपुर में तैयार किए गए बफर जोन पर सख्ती से पालन कराया जाएगा। इससे पहले सितंबर के दौरान मणिपुर में जातीय संघर्ष के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 2 नई बटालियनों की तैनाती का निर्देश दिया था। 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों को कई इलाकों में तैनात किया गया। एक बटालियन वारंगल से और दूसरी लातेहार से रवाना की गई थी। मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों को ड्रोन गन प्रदान की गई है। इसकी मदद से ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन को जाम किया जा सकता है। मणिपुर में कुछ महीने पहले घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था। भारत म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील करने के मकसद से हैवी फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया गया है। इससे घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। पहले चरण में मोरेह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने के अलावा एक अन्य स्थान पर 21 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो चुका है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा सड़कों के निर्माण के काम को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर की सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा कर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।